छात्र संगठन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद गुना के कार्यकर्ताओं के द्वारा शुक्रवार को अम्बेडकर चौराहे पर चीन का विरोध करते हुए चीनी एप्स और मोबाइल का दहन किया गया। इस मौके पर परिषद ने कहा कि जिस प्रकार से चीन के द्वारा उसकी विस्तारवाद नीति का घिनौना चेहरा एक बार फिर से उजागर हुआ है, हमारी जमीन पर कब्जा करने की मंशा से मुठभेड़ में हमारे 20 बहादुर जवानों को शहीद होना पड़ा। उन्होंने जवानों ने बहादुरी पूर्वक 43 चीनी सैनिकों को भी मार गिराया। परिषद द्वारा शुक्रवार को उन सभी वीर सपूतों को पीजी कॉलेज में श्रद्धांजलि अर्पित की गई। वहीं पुतला दहन कर चीन के सामान का बहिष्कार भी किया गया। पुतला दहन के दौरान कार्यकर्ताओं के द्वारा मोबाइल, टिकटॉक, अलीबाबा एवं अन्य एप्स के पोस्टर भी जलाकर इनका बहिष्कार करने का भी आह्वान किया। समस्त देशवासियों को बजट है कि वर्तमान में भारत के सामने कोविड-19 और जिस तरीके की प्राकृतिक आपदाएं हमारे देश के समक्ष आ रही हैं, उसके अलावा बड़े शर्मनाक ढंग से हमारा जो बगल का पड़ोसी देश है चीनी, जो चीन देश के अंदर जिस प्रकार की देश विरोधी गतिविधियाँ चल रही हैं और भारत को नीचे दिखाने के लिए जिस तरीके की ऊंची हरकतें आज चीन कर रहा है, जिस तरीके से हमारी बॉर्डर पर सैनिक दूर हमला किया गया, हमारे भारत माता की रक्षा करते हुए 20 सैनिक वहाँ पर शहीद हो गए। आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद गुना जिले के कार्यकर्ताओं द्वारा समस्त देशवासियों से आह्वान किया जा रहा है और हम सभी ने यहाँ पर विद्यार्थी परिषद कार्यकर्ताओं ने अम्बेडकर चौराहे पर चीन का पुतला जलाकर, वहाँ के राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग का पुतला जलाकर, हमने चाइना के सामान का बहिष्कार कराया, हमने चीन के उत्पादक, चीन के मोबाइल, चीन के यहाँ पर जो जितने भी टिकटॉक और जिस तरीके के ऐप्स चलते हैं जो हमारे यहाँ के लोग बड़ी चावकता से उनका उपयोग करते हैं, उसका ही विरोध कराया। और विनम्र निवेदन मेरा सभी देशवासियों से, गुना जिले के नागरिकों से है कि आप सभी चीनी सामान का बहिष्कार करें, स्वदेशी अपनाएं, जिससे हमारे जो बॉर्डर पर सैनिक लड़ रहे हैं उनको बल